खरगोन जिले के भगवानपुरा जनपद में अतिथि शिक्षकों को मानदेय नहीं मिलने की बात पर शिक्षकों ने मोर्चा खोला और नियत समय पर मानदेय नहीं मिलने की बात कही है। बताया जा रहा है कि शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बाद अब तक किसी को एक माह का वेतन मिला तो किसी को अब तक वेतन नहीं दिया गया, जबकि ये अतिथि विगत कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही शासन स्तर पर भी अतिथियों के नियमितीकरण की बात कही गई थी। ऐसे में परिवार के भरण पोषण के अलावा इन अतिथियों का भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा है। इस दौरान अतिथियों ने मांग की है कि शासन स्तर पर बुनाए गए दावों को पूरा करके उन्हें नियमित वेतन दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। जब से सत्र चालू हुआ है 2023 से आज तक हमें वेतन नहीं मिला है, और दीपावली और भी ऐसे जैसे संक्रांति कई महिलाओं के ऐसे महत्वपूर्ण त्योहार भी हमारे बिना वेतन के गए, जिससे हमें आर्थिक रूप से बहुत तंगी का सामना करना पड़ रहा है। अभी हमारे ऊपर कर्ज हो गया है जिसको चुकाने के लिए भी हम असमर्थ हैं। हमारे को एक आस है कि हमारे को जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 14,000 रुपये सैलरी मिलेगी, 10,000 मिलेगी, 18,000 मिलेगी और आपका प्रति माह 1 या 2 तारीख को डाल दी जाएगी, मगर आज दिनांक तक हमें कोई भी वेतन नहीं मिला है, जिससे हमारी जो खुशियाँ हैं जो हमारे बच्चों को जो त्योहारों पर मनाना चाहिए वो हम उस प्रकार से नहीं मना पा रहे। कहने को हम शिक्षक हैं, एक गर्व का महसूस होता है कि हम शिक्षक हैं, मगर जब हमारे पास आर्थिक रूप से हम देखते हैं तो हमारे घर पे बहुत परेशानियां हैं, बहुत अत्याचार हुआ है हमारे साथ, यानी कि हमारे भविष्य का हम हमारे बच्चों का भविष्य नहीं सुधार पा रहे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।